नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। खबर किसान आंदोलन की है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे अन्नदाता काला दिवस मना रहे हैं। 6 माह पूरे होने के चलते सभी किसानों ने अपने घर व वाहनों पर काला झंडा लगाने का आह्वान किया। वही देश भर के सभी धरना स्थलों पर काली पगड़ी व चुनरी पहनी जा रही है और धरना स्थलों के अलावा गांव में पीएम का पुतला फूंका जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि किसानों की मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना जरूरी है। वहीं काला दिवस मनाने के लिए काफी किसान बॉर्डर पर भी पहुंच चुके हैं। किसानों के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता आनंद माधव ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। बीजेपी नेता विनोद शर्मा का कहना है कि किसानों के नाम पर विपक्ष और कुछ किसान राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता माधव आनंद ने कहा कि किसान भी कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक जी, क्या है पूरी खबर? किसान आंदोलन पर अभी भी अड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जिस तरह से आज के 6 महीने पहले लगभग 180 दिन पूर्व में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, भारत में जगह जगह पर बॉर्डर पर सड़कों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। कई राजनीतिक दल भी किसानों के बीच में आए और किसानों की आवाज़ बुलंद करने की बात की। उसके बाद राकेश टिकैत आंदोलन से जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में सफल हुई और किसान आंदोलन को उसने एक ऐसे माहौल में बदला कि किसान आंदोलन को जन विरोधी आंदोलन बताने का वो सरकार के द्वारा जो दावा किया जा रहा था, जो सरकार की मंशा थी कि किसी न किसी तरीके से किसान आंदोलन को जन विरोधी बनाया जाए, उसमें सरकार कहीं ना कहीं सफल हुई। आज 180वां दिन है, यानी 180 दिन हो गए हैं। किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो बात नहीं नज़र आ रही है किसान आंदोलन में जो आज के 2 या 3 महीने पूर्व में नज़र आ रही थी। वर्तमान सरकार लेकिन किसानों को देशद्रोही बता रही है। कोरोना के माहौल को देखते हुए वे कह रही है कि किसान आंदोलन को अब खत्म कर देना चाहिए। इस विषय में क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन के ऊपर सरकार जो है जो ब्लेम लगाए, लेकिन जिस तरह से इस बार किसान डटे, कहीं ना कहीं पिछले 7 वर्षों से जब से मोदी सरकार आई है पहला एक ऐसा आंदोलन है जो लगभग 6 महीने से ज़्यादा चला है और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी है किसान आंदोलन के प्रति। इसी वजह से किसानों का हौसले अभी भी नहीं डगमगा रहे हैं। बात रही कोरोना को लेकर किसान आंदोलन खत्म करने की, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जब असम और तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव हो रहे थे केरल के, तब कोरोना कहाँ था, तब क्या कोरोना नहीं फैल रहा था। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप प्रचार करें तब तो कोरोना नहीं है, आप रैलियां करें, आप 2-4 लाख लोगों को इकट्ठा करें तब कोरोना नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी बात को लेकर, कोई अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ जाए तो आपके लिए COVID-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो दोहरी मानसिकता सरकार की यह साफ बता रही है कि सरकार कितनी गंभीर है किसानों के मुद्दों पर। अभिषेक जी, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, तो किसान आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है इस चुनाव पर? बहुत वाजिब प्रश्न आपने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और ये चुनाव फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में अगर सब कुछ सही रहा तो होंगे। अब बात अगर इसके राजनीतिक नफा नुकसान की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो किसानों का गुस्सा है वो आपने देखा, जगह जगह खाप पंचायतें जब भाजपा के नेताओं के द्वारा आयोजित की गई तो किस तरह से कुर्सियाँ फेंकी गई किसानों के द्वारा, किस तरह से विरोध हुआ, उससे नाराजगी आप देख सकते हैं। लेकिन अब बात रही विपक्षी दलों की, बसपा इस पूरे आंदोलन में लुप्त नजर आई, कहीं बसपा का कोई नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं था। किसान आरोप लगा रहे थे कि बसपा का कोई नेता नहीं आ रहा है, लेकिन जो किसानों के भरोसे पर राजनीति करते हैं या किसान जिनके वोटर रहे हैं, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी है, पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह चौधरी के गुजरने के बाद अब पूरी लोकदल की कमान अजीत सिंह के परिवार के ऊपर है और जिस तरह से उनका एक किसान का वोट बैंक था जो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ ट्रांसफ़र हुआ था, उस पर फिर से रालोद वापसी करती हुई दिख रही है। अगर रालोद वापसी करती हुई दिख रही है तो कहीं ना कहीं सपा को भी फायदा होगा और कांग्रेस में इसमें भी पीछे नहीं रहेगी, कांग्रेस भी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी भी गई थी कई जगहों पर, खाप पंचायतों में, किसान महापंचायतों में, अखिलेश यादव भी गए थे, लेकिन बड़ा फायदा इसको सपा को मिलता हुआ दिख रहा है और सपा के सहयोगी दलों को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप किसान आंदोलन के विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ।